पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप 2023 के बचे हर मैचअप करो या मरो वाले हैं। जी हाँ, बहुत स्वागत है आपका खेल का अड्डा में। मैं हूं आपके साथ सुदीप राजपूत। अगर बात की जाए चेन्नई में आज बाबर आजम की टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ उतरेगी। सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए पाक को यह मैच जीतना बहुत जरूरी है। दूसरी ओर साउथ अफ्रीका ने अब तक ताबड़तोड़ प्रदर्शन किया है और 5 में से 4 मैच जीते हैं। बाबर बड़े मैच के लिए प्लेइंग 11 में एक बदलाव भी कर सकते हैं। वहीं जिस फॉर्म में साउथ अफ्रीका है, अभी तक अगर साउथ अफ्रीका की टीम का मुकाबला देखा जाए तो वो पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच सकती है। अगर आज मैच जीती है तो उसका नेट रन रेट टीम इंडिया से अच्छा है। दूसरी ओर श्रीलंका ने गुरुवार को खेले गए मैच में इंग्लैंड को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। जी हाँ, आपको याद दिला दें, कल का जो मैच श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच हुआ उस मुकाबले में इंग्लैंड जैसी टीम श्रीलंकाई जैसी टीम के सामने महज 33.3 ओवर में 156 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। उसके पास जितने बैट्समैन थे यानी कि 6 बैट्समैन दहाई का आंकड़ा पार भी नहीं कर पाए। सबसे ज्यादा रन बनाए बेन स्टोक 43 रन, इसके लिए उनको 73 गेंदों का सामना करना पड़ा। फिर जिस तरीके से समर विक्रमा और निशंका ने पारी खेली वो वाकई में बहुत ही लाजवाब थी। दोनों की पारी ने ही इंग्लैंड से मुंह से वो जीत छीन ली। इंग्लैंड की टीम कभी भी श्रीलंका से जीत नहीं पाई है, वो रिकॉर्ड कल भी कायम रहा। और अगर बात की जाए इसी के साथ डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड की, तो टूर्नामेंट से लगभग बाहर हो गई है। अगर हम बात करें पाकिस्तान का, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का प्रदर्शन अब तक टूर्नामेंट में कुछ खास नहीं रहा है। शुरुआती 2 मैच जीतने के बाद उसे लगातार 3 हार मिल चुकी है। हार के बाद कप्तान बाबर आजम पर सवाल उठ रहे हैं और ऐसा लगाया जा रहा अनुमान या कि ऐसी खबरें आ रही हैं वर्ल्ड कप के बीच में, एक खबर यह भी आ रही है कि वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम की कप्तानी भी जा सकती है। जी हाँ, टीम के गेंदबाज भी अब तक खासा प्रभाव नहीं छोड़ सके हैं, यानी कि पाकिस्तानी गेंदबाज भी बेअसर सा दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बुखार के चलते आज होने वाले मैच से तेज गेंदबाज हसन अली बाहर हो गए हैं। दूसरी ओर साउथ अफ्रीका को भले ही नीदरलैंड के खिलाफ हार मिली, लेकिन अन्य बड़ी टीमों के खिलाफ उसे जीत मिली है। साउथ अफ्रीका ने अब तक 5 मैच खेले हैं और 4 में जीत दर्ज की है। टीम 8 अंक हो गए हैं, यानी कि पॉइंट्स टेबल में साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पर है। साउथ अफ्रीका के बैटर खासकर क्विंटन डिकॉक, एडन मार्करम, राशिवन ढुसैन बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। अगर बात की जाए डिकॉक की, तो डिकॉक 3 शतक जड़ चुके हैं। वहीं पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ अब तक पहले 10 ओवर में 1 भी विकेट नहीं ले सके हैं। उन्होंने 6 ओवर डाले हैं और 11 की इकोनॉमी से 66 रन लुटाए हैं, यानी नई गेंद से रऊफ का प्रदर्शन बेहद खराब है। नो डाउट रऊफ के पास पेस है, लेकिन वो विकेट लेने में असफल रहे अभी तक जितने मैच हुए उतने में। पाकिस्तान टीम के कैंप से एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि ओपनर बैटर फखर जमा अभी भी पूरी तरह से फिट नहीं हुए हैं, ऐसे में वो आज भी नहीं खेल सकेंगे। यानी कि इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक की जोड़ी एक बार फिर से ओपनिंग करते हुए दिखाई देगी। अब ऐसे में ये जोड़ी क्या इस पाकिस्तान की टीम की नैया की खवैया बनेगी, ये भी अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, क्योंकि मैच 2 बजे शुरू होने वाला है। वहीं अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच में साउथ अफ्रीका के कप्तान टिम्बा बाउमा की वापसी हो सकती है। पिछले 2 मैच में वो नहीं खेल सके थे। दूसरी ओर बाएं हाथ के स्पिनर केशव महाराज भी प्लेइंग 11 में जगह बना सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान वनडे वर्ल्ड कप में आखिरी बार 2019 में भिड़े थे। पाक को इस मैच में शानदार 49 रन से बड़ी जीत मिली थी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 7 विकेट पर 308 रन बनाए थे, जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 259 रन ही बना सकी। लेकिन वो साल 2019 था और ये साल 2023 है। जिस तरीके से साउथ अफ्रीका के ओपनर बैटर क्विंटन डिकॉक शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, यानी कि वर्ल्ड कप 2023 में अब तक 3 शतक जड़ चुके हैं, ऐसे में एक बार फिर उनसे टीम को बड़ी पारी खेलने की उम्मीद होगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से क्विंटन डिकॉक शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और इस वर्ल्ड कप में वो 3 शतक जड़ चुके हैं, और बड़ी टीमों के खिलाफ, ये भी नहीं छोटी टीम के खिलाफ। अगर बात की जाए वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका की ओर से सबसे ज़्यादा 4 शतक एबी डिविलियर्स ने लगाए हैं, ऐसे में क्विंटन डिकॉक का जो मौजूदा फॉर्म है, जो मौजूदा वर्ल्ड कप है, उसमें वो 3 शतक पहले लगा चुके हैं। अगर आज 1 शतक और लगाते हैं तो एबी डिविलियर्स का ये रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। लेकिन अगर बात होती है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के पास जिस तरीके से बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शफीक, इमामुल हक
और बेहतरीन स्पिनर शादाब खान हैं, लेकिन इस पूरे वर्ल्ड कप में खास करके पिछले तीनों मैच में ये बेअसर रहे हैं। अगर आज पाकिस्तान की टीम को सेमीफाइनल के रेस में बने रहना है तो उसे साउथ अफ्रीका से जीत दर्ज करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि साउथ अफ्रीका को अगर हराना है तो 2019 का एक बार फिर से इतिहास दोहराना होगा और पूरी टीम को एकजुटता के साथ खेलना होगा। बात की जाए शाहीन अफरीदी की, तो शाहीन अफरीदी फिलहाल अभी कुछ हद तक अपने आप को वो दिखा पाए हैं, अपने फेस से, अपने अटैक्स, अपने स्विंग से वो कुछ परेशान करते हुए नजर आए हैं, लेकिन इस पिच पर आज स्पिनरों का बोलबाला रहने वाला है। ऐसे में शादाब खान कितना करिश्मा कर सकते हैं या केशव महाराज कितने विकेट निकाल सकते हैं, ये महज कुछ ही देर में पता चल जाएगा। फिलहाल वर्ल्ड कप से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। धन्यवाद।